क्वेश्चन नंबर 234 में क्या दिया है, अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, पहले 30% डिक्रीमेंट हुआ है, देन इंक्रीज बाय 30% एंड फर्दर डिक्रीज बाय 10%, मतलब कि 30 से इंक्रीज फिर 30 से डिक्रीज, 30 से डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज हो गया 10%, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज, कैसे करेंगे देख लेते हैं। अगर इनिशियली वह 100 था, 30% डिक्रीमेंट के बाद एक कितना हो जाएगा 70, अभी अपने पास 70 है, इस 70 को 30% इंक्रीज करना है ना, तो 70 का 30% 21 होता है, इंक्रीज होकर हो जाएगा 91, फिर इस 91 को कितना परसेंट डिक्रीज करना है, 10% डिक्रीज करना है, तो 91 का 10% हो जाएगा 9.1, अगर ये डिक्रीज करेंगे तो बचेगा 81.9। अभी देखते हैं इनिशियली था कितना 100, बचा कितना 81.9, तो 19.9% का लॉस हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 19.1% का लॉस हुआ है, 19.1%, तो सही आंसर क्या हो गया 19% डिक्रीज, क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।